बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? तबीयत से ठीक है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जी मैं आया था अपनी दोस्त के शॉप पे, तो दोस्त वहाँ पर है नहीं, तो आपको जी हमारे चौक रहमानी चौक की सैर करवाते हैं और इनका विज़िट करवाते हैं और उनके साथ मुलाकात करवाते हैं। तो आइए नाज़रीन चलते हैं जी। तो आइए नाज़रीन चलते हैं जी। सबसे पहले आपको मिलवाएंगे जी यहाँ के मशहूर चिप्स वाले से, साढ़ा चाचा चिप्स वाला सारा मशहूर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है चाचा सिंह? तबीयत से ठीक है? खुश हो? शुक्र है। काम कैसे जा रहा है आपका? टाइम बहुत जबरदस्त जा रहा है। टाइम नहीं, काम कैसे जा रहा है सर जी आपका? काम बिल्कुल ठीक जा रहा है, फर्स्ट क्लास जा रहा है। लियाकतपुर में अपना नाम है जी। जी वो तो आप देख, हम आपको देखते हैं, हमारी शॉप के आगे से आप गुजरते हैं, माशाल्लाह बहुत आपके चलती है ये चीपर, हम भी इसके बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं, बहुत हमें अच्छी लगती है ये। तो चाचे दी चाचे की उम्र भी बहुत ज़्यादा है और तजर्बा काम करने का इससे भी ज़्यादा है। ये स्पेशल देख सकते हैं नादरीन, स्पेशल चिप्स बन रही है, डबल फ्राई जिसको बोलते हैं, अखरोट चिप्स कहते हैं इसको, अखरोट चिप्स बोलते हैं, डबल फ्राई है। चाचा साढ़े यूट्यूब चैनल पे हाथ लाओ जा, सलाम करो जा। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों। ठीक, इसके बाद जी आपको चलते हैं जी फ्रूट वाले के पास, शकील जो कि हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान? तबीयत से ठीक हो? खुश है? अमने काम कार कैसे जा रहा है आपका? काम कार मैंने कहा आपका कैसा जा रहा है? किन्नू कैसे सेल हो रहे हैं? मौसम बहुत सर्द है, मौसम बहुत सर्द है जी भाई। वीडियो बना रहे हैं यार भाई, आपका हाल वाल लेने आए हैं, आपको पूछने आए हैं। बंद करो यार भाई, वीडियो बंद करो। ओ भाई बात तो सुनो यार, ओ भाई बात तो सुनो यार, ओए बात तो सुनो यार, ओए भाई उधर बैठ के बात तो सुनो, बात तो सुनो यार, तुम वीडियो ओए बात तो सुनो यार। अच्छा बंद कर देते हैं, बंद कर देना, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ। 100 रुपये किलो बाजार में, 50 रुपये किलो दे रहे हैं आप, 100 रुपये किलो लगा रहे हो सर? बाज़ार में ले से ले आएंगे आप, इतना ज़्यादा रेट क्यों लगा रहे हैं? मौसम भी इतना सर्द है और धूप निकली नहीं है, धूप होती तो आप क्यों ज़्यादा बेचते हैं जी? हमारे खरीदारी महंगी है, खरीदारी महंगी है आपकी, इतने सर्द मौसम में भी आपकी खरीदारी महंगी है। और सुनाएं कैसा काम जा रहा है जी? काम कैसा जा रहा है? हाथ ला दें जी चैनल पर। इसके बाद जी नाज़रीन आपको मिलाते हैं जी यहाँ के चौक रहमानी चौक के मशहूर शवारमे वाले से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई जान? ये है एहसन रहमानी, इनके शगिर्द, और ये हैं जी आकब भाई। हम यहाँ अक्सर आते हैं शवारमे के लिए और भाई साहब का बहुत अच्छा टेस्ट है, शवारमा खाना हो या ना खाना हो लेकिन भाई साहब के पास बैठते ज़रूर हैं, और जो लोग खा रहे होते हैं उनको देख देख के दिल भर जाता है, खाने की ज़रूरत ही नहीं होती, और साथ ही इनकी खुशबू शवारमे की। अस्सलाम वालेकुम सर, हाथ लाओ, हाथ ला दो भाईजान चैनल पे हमारे, हाथ ला दो। तो कैसे चल रहा है आपका काम? सही है माशाल्लाह, क्या रेट शेयर लगाया हुआ है? 70 रुपये प्याला, 80 रुपये प्याला। महंगाई हो गई है इसी वजह से? अंडा महंगा हो गया जी। कितने का अंडा चाहता है? 50 रुपये का चल रहा है। और सूप के साथ प्याला कितने का, यखनी के साथ प्याला कितने का देते हैं? सूप के साथ 70 रुपये, यखनी के साथ 80 रुपये प्याला। ठीक हो गया। और माशाल्लाह सुनाए तबीयत से ठीक है? शुक्र है मालिक का करम है। हमारे चैनल में एक बार हेलो हाय करें थोड़ा सा, हमारे व्यूअरों को पता चले कि भाई लियाकतपुर का सबसे मशहूर यखनी वाला। और सर अगर हम आपसे ये यखनी पीना चाहें तो हमें क्या रेट लगाएंगे आपको? सर 70 रुपये प्याला, 80 रुपये प्याला। वो तो आम चल रहा है ना? ओ शहरी भाई साहब, सही क्या हाल है? सही तबीयत सेहत गया जा। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, क्या हाल है शरीफ भाई? तबीयत से ठीक है आपकी? सुनाओ वीडियो बनाने आए हो? नहीं नहीं, मैं तो बस वैसे अंडे का रेट पूछ। हमें भी यार सपोर्ट किया करो थोड़ा, हमने अभी काम शुरू किया है, आपकी सपोर्ट की जरूरत है भाई साहब। सपोर्ट कर असा दस रहा की बिराए से कैमरा पहले चले ही खड़ो तुसा यार, दस रहा की बिराए से की तुसे। हम तो आए थे व्लॉग बनाने, आप हमारी वीडियो में आए तो सोचा आपसे थोड़ी हेल्प मांग ले यार। कोई बात नहीं भाई साहब, तरक्की उर्दू मिक्स ही चलती है, कोई बात नहीं, पाकिस्तान है चलता रहता सारा कुछ। सर बस टाइम अभी मिला हमें शूट करने का, कोई मसला क्या नहीं, तुसा मजीद साढ़े नाल तावन करे वे, असा थोड़ा ख्याल रखे सुन। ठीक ठीक है, चलो अंडा असा खुवे नो कहीं दुआ को। ए सही महंगाई दा दौर है, महंगाई वधेंदे पेन बिया, ए दा सारा यार
बस वाला भैया ठीक रह गयो भैया ठीक मत करम मेला दा कोई मसला है नहीं पर तू सब बड़ा ही ना रहो वीडियो क्योंकि लोग है ना तरह-तरह दे बाबू गाली करे से खेल से ओए ओए ये क्या कहना सही बिल्कुल तू सा दिल नहीं छोड़ना और तू सब आज में बैठे में एक बड़ी खुशी देनी बे कि तू भी लोग बने दे कोई ताकू लोग मंदे कडे से तू कीमिया कैसे कोई कीमिया कैसे तू सब कहीं दी गाल नहीं मननी ठीक ठीक सा भी लोग बने दे रहो अल्लाह पाक तरक्की दे से मैं देख इन सा वेला मुंडा की माशाल्लाह तरक्की कर के माशाल्लाह पापड़ वेले जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है खिजर उमर दी गया मेहनत बहुत किया इन्होंने मेहनत की थी तरक्की की थी तरक्की जाती ठीक है तुसा अपना नहीं छोड़ना तो लोग जीवे गाली आके तुसा अपना साथ नहीं छोड़ना और जितना मेरी जरूरत होवे ये बिरा हाजिर है ठीक है ठीक है सही बड़ी मेहरबानी अंडा खाऊं सही तो आपको बहुत बड़ी मेहरबानी शुक्रिया सर अंडा खाऊं बिरा खाऊं जजाकला सर जजाकला ठीक ठीक है सर अभी चलते हैं जी नाई के पास उसका इंटरव्यू लेते हैं और खत वगैरह बनवाते हैं अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है सिंह अस्सलाम वालेकुम वालेकुम क्या हाल है तुम्हें भाई तबीयत सेहत ठीक है खत बनाना यार खत बना दो ठंड एक बहुत ज़्यादा है कैसे अभी खाना खाते हैं वो आ गया है होटल वाला से खाना लेते हैं अच्छा जी पहले खाना खाना है फिर खत बनाएंगे चलो ठीक है हम इतनी देर बैठ जाते हैं यार बाहर तो बहुत ज़्यादा ठंड है बैठ जाएँ आपकी शॉप में चलो ठीक है भाई आप खाना खाएँ फिर खत वगैरह बना लेते हैं भाई साहब खाना खाएंगे तो उसके बाद खत बनेगा काफ़ी बड़े बाल हो गए यार लेट हो गए काफ़ी दफ़ा तो भाई साहब अभी खाने में मसरूफ़ हैं देख सकते हैं नाज़रीन हाँ नहीं अरे देखो हाँ तो आज सर्दियाँ धूप आ रहे भूख ज़्यादा लगती है ना हाँ जी भूख ज़्यादा लगती है धूप ज्यादा लगती है लाला धूप ही तो भजन आप दिखाओ भूख ज्यादा लगती है सर्दियों में हां सही मैं तो सर्दियों में धूप ज्यादा लगती है यार धूप ज्यादा लगती है भूख घट लगती है ही मत रोटी खा ओए प्यारे भाई आप तो दिखाओ सर एक मिनट खाना खाने दे अच्छा खाने में मसरूफ है अभी मसरूफ है ओ भाई 6 रोटियां अकेला बंदा तू ओए ओए ये भाई ने सिर्फ और सिर्फ 1.5 रोटी खाई है और बाकी 5 या 4.5 रोटियां ये भाई अकेला खा गया माशाल्लाह अल्लाह और सेहत दे इसको माशाल्लाह माशाल्लाह ये देख सकते हैं जी कटोरी बिल्कुल साफ़ कर दी है ये बहुत अच्छी बात है कि कटोरी बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए और भाई साहब बता दो यार सर्दियों में भूख ज़्यादा लगती है कि नहीं लगती नो सर नहीं लगती नहीं लगती तो फिर आपने 5 रोटियां अकेले कैसे खा सकते हो इकट्ठे खाए मैं आपको देख रहा था मैं आपको देख रहा था कि उस भाई ने सिर्फ 1 या 1.5 रोटी खाई है वो भाई खुद बता रहा है आप बाकी रोटियां आपने वल्ला मारा है मैं तो सिर्फ खत कराने आया था मैंने आपको छेड़ा थोड़ी है यार गलत बात थोड़ी की मैंने वही बात नहीं है आपको तमीज भी नहीं है आप ऐसे कस्टमर के साथ ऐसे बात करते हो यार कोई बात नहीं है यार कोई हाल नहीं है आपका आप अपने कस्टमर के साथ ऐसे बात करते हो यार मैं इनके पास खत करवाने आया था भाई साहब शगीर्द एक साइड पर खड़ा हुआ है उस्ताद एक साइड पर खड़ा मोबाइल चला रहे कोई यार तवज्जो ही नहीं देता यार हमें कि हमारी दुकान में एक यूट्यूबर है वो तेरी मर्जी है भाई अभी तो हम छोटे यूट्यूबर हैं कोई बात नहीं इसी बात का फ़ायदा उठा रहे हो आप एक दिन हम भी मशहूर होंगे भाई के पास और इनके पास ये भाई भी बाल कटवाने आए लेकिन तवज्जो ही नहीं दे रहे शगीर्द अलग फिर है उस्ताद अपने फ़ोन पे मसरूफ़ है पता नहीं आप क्या बनेगा यार ये अभी भाई साहब को गुस्सा आया है एक दो लफ्ज़ मैंने इनसे कहे हैं तो भाई साहब को गुस्सा आ गया तो शुरू कर रहे हैं हम उठा खत कर रहे उल्टी साइड से शुरू हो रहे थे यार कमाल की बात है यार उस्ताद साथ खड़ा है आपके यार भाई बटन खोल रहा था कपड़ा छपड़ा रखो यार वाल बे पास से लग गए सर नहीं भाई हमने रखा है ओए पानी गरम रखा करो यार गरम पानी रखा पानी करो चेक कर लें सर ठंडा पानी ताजा पानी लगा रहे हो आप ठंडा ठंडा हाथ धोगी यार वैसे खत के पैसे पूछ लो 100 रुपए 70 रुपए 80 रुपए पानी ठंडा लगाते हैं वाह यार पानी बहुत ठंडा लगा ओ बस कर जा ओ भाई ओ खैर है खत करना है या पानी से नहाना है मुझे साजी ओ साजी अपलोड ही नहीं थी यार थोड़ी तवज्जो दियो यार अपलोड ही नहीं थी यार साजी ओ साजी थोड़ी जी मेहरबानी करो यार
उस्ताद साहब क्या मेहरबानी करूँ, मेहरबानी करो जा छोड़ दिया उन्हें जान साड़ी जान पकड़ के ना यार मुझे एक घंटा हो गया, एक घंटा आपकी शॉप पे आए हुए तो मेरी एक खत नहीं बनाई आपने। अबे यार ये खत तो है तो क्या होगा, कहीं जा रहा है क्या? मैंने कहाँ जाना है यार, इधर ही रहना है। आपने कौन सा कोई ड्यूटी पे जाना है? ये भी बात सही है। अब मैं खत कैसे बनाऊँ ये तो बता, ये मोबाइल पकड़ा हुआ है मेरे सामने और खत में कैसे बनाऊँ? यार हम इसको बंद कर देते हैं, उधर रख देते हैं बस। हाँ ये बात है, बंद कर चल इसको, ये बंद करके रख देते हैं आप, इधर इधर ऐसे रख देते हैं। यार आपके शिगिर्द ने मुझे पानी से नहला दिया है, आप मेरा नक्शा बिगाड़ने पे लगे हुए। सर्दी है यार अब्दुल्ला भाई। वाकई यार सर्दी बहुत ज्यादा है यार, आग जला यार, आग जला लो यार, आप आग ही नहीं जलाते यार आप। भाई मुझे तो सर्दी लग रही भी नहीं, नहीं लग रही आपको सर्दी? क्या क्यों लगेगी, आप एक टाइम की पांच पांच रोटियां खा जाते हो ना, ये बात ठीक है। कैसे आपको सर्दी लगी? की सर्दी है यार, ऊपर से ठंडा पानी लगाएंगे अब्दुल्ला भाई को। बस वो शिगिर्द वाला टॉर्चर कर रहा है ये भी यार, पानी ठंडा नहीं है और क्या इनको चाहिए, गीजर रखने अपने पास, गर्म पानी हो इनके पास हर वक्त। हमारे पास गीजर भी आएगा और अल्हम्दुलिल्लाह हवा भी होगा, आप नलाएंगे हमारी गलती है, हम माजरत मांगते हैं क्योंकि हमारे एक महीना रहता है, एक महीने के बाद हम सब कुछ बना लेंगे। यानी आपके पास हर चीज अवेलेबल होगी, यानी हर चीज होगी। उससे पहले एक महीने में जितनी फोतकियां करनी है कर दो, जितना बंदे को ठंडे पानी से करना है टॉर्चर वो करो। बिल्कुल हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कोई काम भी नहीं है। ये इसके ऊपर से ये ठंडी क्रीम आपको, ये आपको गरम लगाएंगे। आप कह रहे हैं मुझे तो पता लग रहा है यार, ओए जिसके चेहरे पे लग रहा है उसको असल पता लग रहा है। यूं मिनटों में काम करते हैं खत्म। एक मिनट यार, कहते हैं जब नाई के पास उस्तरा हो और आपके चेहरे पर ऐसे घुमा रहा हो जैसे अभी घुमा रहे थे तो उस टाइम कोई बुड़बुड़ नहीं करनी चाहिए, तो नाई गुस्सा निकाल देता है कहीं ना कहीं पे। ये बात ठीक, खामोशी से बैठ जाना चाहिए, ज्यादा बकबक नहीं करनी चाहिए। अल्लाह भाई ने ये बात ठीक बोली, इस वजह से मैं खामोश हो गया हूँ, भाई साहब को गुस्सा ना आ जाए। भाई साहब ने खत मुझे बनाया, मेरा खत बनाया और चेक अपने वाल कर रहे हैं, नया तरीका चेक करो नाई साहब का, कटिंग मेरी हो रही है, चेकिंग अपने वाल हो रहे हैं। ये तो चलता है ना यार, गाल तो गा के अपना पहले, हाँ पहले अपना मेंटेन करो तो फिर आपको देख के कोई और गाहक आएगा बोलेगा यार यही डिजाइन बना के दो तनवीर भाई, यही डिजाइन ऐसे ना, इतना समझदार है फिर भी ऐसे बात करता है यार। हम ये बात करें, लड़के को गुस्सा आया, कपड़ा लेके आ गया जी, लगाओ कपड़ा। उस्ताद आशिकिर्द कटिंग करने आते हैं, अपने आप को ज्यादा देखने लग जाते हैं, हम कटिंग करने की बजाय अपने आप को फोकस करते हैं, ज्यादा कस्टमर पर नहीं करते, मुझे अपनी कटिंग आप करनी पड़ी है, उस तरह सही तरह से चलाना पड़ रहा है, करना ही नहीं आता उस तरह, इस तरह काम पकड़ना है। अबे यार ये मैं कब से देख रहा हूँ आपको, कब से देख रहा हूँ, ये देख मेरी बात सुन, कब से देख रहा हूँ, वाल तो फिर भी कटाई हो गए हैं मेरे, कब से देख रहा हूँ। अब हाँ लाला
हाँ मैं सरायकी में बात कर रहा हूँ, ठीक है? सरायकी में बुलंदी है? मैं बोल रहा हूँ ना उसको। अच्छा, अच्छा, सरायकी में बोलूंगा ना। ठीक होगा, ठीक होगा। हाँ भाई जान, हूँ मैं ना एक मशीन ले जाती हूँ, खत किदम बना सही है, हूँ एक मशीन लावनी है, मशीन ला के भला एक इवें यू टर्न कर देना एक दुकान से फेर दे मैंने वीवर मशीन इवें लेंदे आप दे आपको ज़्यादा देख दे बुनियादी कस्टमर की तवज्जो घट होती है जी इवें मशीन लेंदे चुप कर थोड़ी लेने गुड़ गुड़ नहीं करनी ज़्यादा नाई के हाथ के नीचे बैठे हैं अभी हम यार तो समझ आती भी है सरायकी समझ आती भी है हमसे हमसे यार मेरे वीवर सरायकी भी उर्दू भी सारी समझते हैं भला ठीक मेरे वीवर चंगे नहीं यार भला सही है मैं अक्सर बुलंदा रहना सरायकी पंजाबी उर्दू सुना मोनोटाइज कटा देना भाई मोनोटाइज यार मेरे वीवर क्रोएशियन में को इंशाल्लाह यार हेल्प करो भाई जान दी यार प्लीज भाई जान को सपोर्ट करो हां ए भाइयों दी सपोर्ट है इथां दा कोजाड़ी तेना यार भाई गाल दसा यार मैं चैनल बनाया मेरे को सपोर्ट करो प्लीज हां यार तनवीर भाई ने शॉर्ट चैनल बनाया कटिंग दा शॉर्ट चैनल बनाया ने तनवीर भाई ने यार हजाम वाला उनका नाम है यार मेरे को सपोर्ट करो प्लीज क्रेशन सही मेरे व्यूअर चंगे हैं क्रेशन तो बेफिक्र थी मजा तो आगे सपोर्ट क्रेशन हूँ तुम बे पास नहीं मजना मेरे काम से तवज्जो दियो यार तो सारा बंदे को अटैक दे वेंदे अचानक अच्छा यार वाह थ्रेडिंग है अल्लाह दा बंदा अच्छा ये थोड़ी खराब थी भी है मेरे को हेयर से वी दे अटैक अंदा ही होना दादा बंदा इथा तोड़े गेची थी मुना मैं वाला थोड़ी खराब थी ये मत आवाज दे दी थी ओए मैं यार कब बंदे क्या दी गए यार गेची को ना ना दे तुसा 120 दा झटका दे लेवे अगले बंदे को यार तेजा कारण कनी यकदम जो आ दे करे बंदा अगला कई ख्याल बैठा होंगे कोई भी अस चेंदा होते हां यार ये ठीक है अब जी एफ कोई कह नहीं असा आपदा वीवर आदा सके नहीं बस कई वेले साडे वीवर साहब मोनोटाइज कर लेंगे कन जी एफ हो गया तो सोचो ना सर मैं फिल्म कह नहीं मैं ड्रामा मैं फिल्म कह नहीं ड्रामा जी एफ है तेरी फिल्म क्या नहीं सर जी एफ है तेरी मेरे को जी एफ का मतलब क्या नहीं पता होंगे क्या है वो है क्या वो ना शाम को ना हाँ रोटी के बाद खाने दी है अच्छा अच्छा ओ सर ने जी एफ अच्छा अच्छा रोटी के बाद ना मैं सर गोड़ दी डली खाना वो मेरी जी एफ है जी एफ है अच्छा भला ठीक भला ठीक अल्लाह का बंदा आराम से यार आराम से यार क्या है जिना पे यार वो नाम था गाल करना पिया अच्छा अच्छा यार आप दे विवरण नाल गाल करना पिया एक कवारी में कोई थू निकतन दे खात तू फ्री थी मंडे वाला ही को मैं पोछ ओए 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 वाला पिया अच्छा अच्छा आओ दे आदा पिया ते को नहीं को ज्यादा मैं मेरी हिम्मत है आपसे ता ई को वंजन लेओ वाला एक बारी इने को ना पा चंगा हिसाब खराब करे नु ओ तेरी नी गाल करेंदा पिया मामा मैं अपने विवर दा हाल हवाल गिनदा पिया यार हाल हवाल तो छोड़े जे बच्चे कुमरे नहीं ना ना, बाल कुमरे नहीं ना तो मेरा हैरान है देखा सब बड़े कोई नहीं मैं तबीयत बड़े ना क्या वाला ओए भाई हुनर की तबीयत पूछता पे यार अच्छा ओए ना चल का जो ओए ना यार देख यार बिना वॉशरूम तो धोए दे यार मेरे को गुस्सा आ रहा ना 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 ओए आप वेली खले मारो ਹੁਣ ਵੇਂਦੀ ਆ ਤੇ ਕੋ ਮਸਲੇ ਓਏ ਮੈਂ ਵੇਂਦਾ ਪਿਆ ਵੇਂਦਾ ਪਿਆ ਵੇਂਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਿਹਦੇ ਵਾਲ ਇਹੋ ਤੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂ ਵਾਲ ਹੀ ਦੇਵਾਂ ਪੈਸੇ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਹੀ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਕੋ ਮੈਂ ਵਾਲ ਹੀ ਦੇਵਾਂ ਇਹ ਕੀ ਤੂੰ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸੇ ਬਾਜੋ ਅੱਜ
कई वेले मेरे को मुफ्त का देने नो। अमीर बंदा दे चलो कहने वे तू ना को अल्लाह पूछे तुम्हारे को ओए मेरा कुछ हाल है आवाज देखो ओए बेटा क्या ओए माफी है दे चल अब तो कष्ट मत आ कोई मेरे ना तू सा वीर क्या नहीं करे तू सा बंदा देखो बचा मार सर मार मार यार खोज की दे मंगा दे दे बंदा अगली बार तोड़े तो नहीं आवे गा बिया कोई दूसरा छोकरे बिया पकड़ावा तोड़े तो नहीं यो जे एडे एडे दो छोकरे में बिया पकड़े हैं हिना रे वाल कपो अरे आवे अरे आ अरे एडे दो छोकरे बिया के आए वो पैसे ए वाल तक आप दे दो पैसे पैसे दे दो वाल तक आप दे मेरी जैकेट रात के तू इन्हें बदले तो वाल का तो पैसे दे सा वाल कटने तोरे तू ढेर मांगा थी ना भाई क्या लावे प्यार नाल बाल ना मुराद अच्छी ना भी नहीं मिला भाई का ओए 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 आराम ना लास बाग नहीं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सही नादरीन देख किनो होने एक ही में करें ना भी अपने नाल भी ब्रो ये बंदे को थोड़ा जाना सीधा सी बना लाइन देना खाना भैया सही वीडियो सारी अच्छी लगी हो तो कमेंट लाइक तो जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी आप शेयर कीजिएगा ये सही बनाते फनी वीडियो सही है माजरा पे गलती थी कि है सुना कोई कमी है तो एक कमी है ए भाई साहब ने आगे चंगी सरायकी मिठी बोलिए भाई साहब ने करने काम जुलदे थे घर घर वन से थमदू घर साफ छाप सी छोकरा चिकना थी पहले कहो मेरे को तेल चमकदा पे दूर ही और खासात बाड़िए वी आई पी तो जुलते थे यानी मेरा मतलब हम चलते हैं जी घर क्योंकि थ्रैकी बोल रहे थे कब से तो अब जुबान पे थ्रैकी आ रही है और दूसरी बोली नहीं आ रही तो अभी चलते हैं जी आज का व्लॉग करते हैं जी यहीं पे ख़त्म दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत से ज़्यादा ख्याल रखिएगा मज़ीद वीडियो में कोई कमी कुताई हो कोई उल्ट सीध बोला हो तो उसको यार क्या मतलब है दुरुस्त करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा हमारे साथ ताउन के रहे नाज़रीन और हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों के साथ मज़ीद शेयर कीजिएगा ताकि इससे भी ज़्यादा मज़ेदार वीडियो आपके लिए लेके आएँ कैसे तनवीर भाई जी जी बिल्कुल 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 तनवीर भाई ने अभी न्यू चैनल स्टार्ट किया है हजामत वाला नाम है उसका सब भाइयों से गुजारिश किया यार भाई को भी सब्सक्राइब करो और मज़ीद इसकी वीडियो को लाइक कमेंट जी जी भाई क्रेशन क्रेशन बेफिक्र थी वजह सही मेरे व्यूअर तो स्पोर्ट क्रेशन इंशाल्लाह ठीक है नाज़रीन मिल दो इंशाल्लाह अगले व्लॉग अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़।